मूवी की शुरुआत में हम श्री नाम की एक लड़की को घायल आदमी की मदद करते हुए देखते हैं। बाइक के नीचे फंसे इंसान को निकालते वक्त श्री के हाथ में भी चोट लग जाती है। इसके बाद हम श्री को हॉस्पिटल जाने के लिए उसी एम्बुलेंस में बैठा हुआ देखते हैं जिसमें उस घायल इंसान को ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछने पर वो बताता है कि आगे 20 किलोमीटर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो श्री की प्रोफेसर उसे कहती है कि नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचते ही तुम कॉल करके हमें अपनी लोकेशन बता देना। कुछ देर बाद ही श्री को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं मौजूद एक बच्चा जब देखता है कि श्री इंजेक्शन से घबरा रही है, तब वो बच्चा उसे अपने पास रखे टैडी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि इसमें बैटरी डालने पर ये चलने लगता है और टॉकिंग टॉम की तरह ही ये कही हुई बातें भी दोहरा सकता है। आगे जब एक नर्स श्री को इंजेक्शन देने के लिए आती है, तब श्री वहां पड़े टैडी को जोर से पकड़ लेती है। कुछ देर बाद श्री की बॉडी अचानक से सुन पड़ जाती है। इसके बाद स्टाफ के ही कुछ लोग आकर श्री को वहां से ले जाते हैं। हम देखते हैं कि एक कमरे में ले जाने के बाद श्री की बाजू पर एक बारकोड लगा दिया जाता है। यहाँ एक नर्स डॉक्टर को बताती है कि जो नर्व सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है, हमने उसे रोक दिया है, अब ये गहरे कोमा में चली गई है। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ की बातों से हमें समझ आता है कि ये लोग श्री की बॉडी के साथ कुछ तो गलत करने वाले थे, लेकिन इस तरह से श्री को यहाँ लाने की असली वजह अभी तक हमारे सामने नहीं आती। श्री की खुली आंखें देखने पर वहां मौजूद नर्स बताती है कि मैंने ऐसे काफी सारे केसेस के बारे में पढ़ा है जिसमें लोगों को अपने शरीर के बाहर होने का अनुभव हुआ है। एनेस्थीसिया देकर एक लड़की का ऑपरेशन किया गया था और जब वो लड़की 6 महीने बाद कोमा से जागी तो वो डॉक्टर्स की कही गई सभी बातें बता पा रही थी। वो ऐसे बता रही थी मानो वो ऊपर से उन्हें देख रही हो। इसके बाद ये लोग उस कमरे से निकलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तब श्री होश में आने लगती है। हालांकि अभी भी श्री सही तरह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी दौरान नर्स का ध्यान श्री पर जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। श्री किसी भी तरह से यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ श्री को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही जब श्री दरवाजे की तरफ जाने लगती है, तो एक आदमी उसके सर पर स्टील की प्लेट मार के श्री को बेहोश कर देता है। सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से श्री की सांसें और दिल की धड़कन रुक जाती है। इस बात का अंदाजा होने के बाद डॉक्टर्स किसी तरह से उसे वापस से होश में लाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हम एक एनर्जी को श्री की बॉडी से निकलता हुआ देखते हैं। वो एनर्जी कमरे से बाहर निकलते हुए उसी टैडी में चली जाती है जिसे कुछ देर पहले श्री ने पकड़ा था। आगे डॉक्टर्स की बातों से हमें पता लगता है कि श्री की जान तो बच गई है, लेकिन वो कोमा में जा चुकी है। दूसरी तरफ हम उस टैडी को चलते हुए देखते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि श्री की आत्मा इस टैडी में आ चुकी थी। जब श्री को इस बात का एहसास होता है तो उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद श्री अपनी ही बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हुए देखती है। श्री की बॉडी को एक एम्बुलेंस में डालकर कहीं भेज दिया गया था। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं। शिवा और उसके दोस्त सतीश की बातों से हमें समझ आता है कि बचपन से ही शिवा की ऑब्जर्वेशन पावर्स बहुत तेज हैं। किसी भी काम को वो काफी जल्दी सीख लेता है। इसके अलावा जन्म से ही फोटोग्राफिक मेमोरी होने की वजह से वो कोई भी बात नहीं भुलाता। शिवा दिन के सिर्फ 5 मिनट लगाकर स्टॉक मार्केट से उतना पैसा कमा लेता है जितने में उसकी जरूरतें पूरी हो सके। हमेशा की तरह ही शिवा की माँ उससे शादी के बारे में बातें करने लगती है, क्योंकि शादी करने में शिवा का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए शिवा की माँ उसके दोस्त के साथ मिलकर एक साइकोलॉजिस्ट के साथ शिवा की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है, ताकि वो डॉक्टर किसी तरह से शिवा को शादी करने के लिए मना सके। लेकिन शिवा उल्टा उस लेडी डॉक्टर को ही इस बात के लिए कन्विंस कर देता है कि शादी करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। ऐसे ही शिवा जब एक रात ट्रेन से जा रहा था, तब ट्रेन में ही मौजूद कुछ आदमी एक लड़की को घेर कर उसे तंग करने लगते हैं। ये देखकर शिवा उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। पहले तो शिवा आराम से उस लड़की को दूसरी सीट पर जाने को कहता है, लेकिन जब वो लोग लड़की को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, तब शिवा उन पर हमला करना शुरू करता है और देखते ही देखते शिवा उन लोगों को मार मार कर बेहोश कर देता है। यहाँ हम उस टैडी यानी कि श्री को भी देखते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद श्री अपने घर जाने के लिए इस ट्रेन में चढ़ गई थी और जब वो शिवा को उन गुंडों से लड़ते हुए देखती है, तो श्री उससे मदद लेने का सोचती है। हम देखते हैं कि श्री उसका पीछा करते करते शिवा के घर तक पहुंच जाती है।
अगली सुबह नींद से जागने के बाद शिवा को कुर्सी पर ही पड़ा टैडी नजर आता है। अपने कमरे में एक टैडी मिलने पर उसे थोड़ा अजीब लगता है और जब शिवा उसे छूकर देखने लगता है तब अचानक से श्री कुर्सी से उतरकर उसे डांटने लगती है। उस टैडी को बात करता देख शिवा को लगता है कि वो पागल हो चुका है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड सतीश को कॉल करके अपने घर आने को कहता है। हालांकि शिवा की बातें सुनने के बाद श्री उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि तुम पागल नहीं हुए हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवा उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। शिवा को लग रहा था कि ये सब उसके दिमाग का कोई वहम है। कुछ देर बाद जब सतीश यहाँ पहुँचता है तब उसे भी वो टैडी बोलता हुआ सुनाई देता है और वो शिवा को समझाता है कि ये टैडी सच में बोल और चल सकता है। ये बात समझने के बाद श्री उन दोनों को अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि किस तरह से उसकी आत्मा इस टैडी तक पहुंची है। हालांकि ये सब कुछ इन दोनों को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन श्री की बातें सुनने के बाद शिवा को यकीन हो जाता है कि ये टैडी जो भी बता रहा है वो सब सच है। अपनी कहानी बताने के बाद श्री उनसे कहती है कि तुम मुझे बस मेरे फ्रेंड्स के पास छोड़ दो। इसीलिए शिवा और सतीश श्री को लेकर उसके बताए गए एड्रेस की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त श्री उन्हें अपने फ्रेंड ऋषि के बारे में बताती है। जल्द ही इन दोनों की शादी होने वाली थी और जब शिवा और श्री चोरी से ऋषि के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं तब श्री उसे किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ देखती है। ये देखने के बाद श्री को काफी बुरा लगता है और वो ऋषि से बिना मिले ही यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये लोग श्री के घर पर पहुँचते हैं। उन्हें श्री के घर पर कोई भी नजर नहीं आता। शिवा श्री को छोड़कर वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसे एक कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और जब शिवा दरवाज़ा तोड़कर देखता है तब उसे पता लगता है कि श्री के पिता यहाँ सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह से शिवा उनकी जान बचा लेता है। आगे श्री के पिता उन्हें बताते हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन श्री के प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कॉल करके हॉस्पिटल का एड्रेस बताएंगी, लेकिन उनका कोई कॉल नहीं आया। पुलिस को भी आसपास के हॉस्पिटल में श्री का कोई सुराग नहीं मिला। हमने फिर भी कोई उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन अगले ही दिन मुझे अपने दरवाजे पर श्री के खून से सने कपड़े और उसका आईडी कार्ड मिला। श्री के पिता की बातों से उन्हें समझ आता है कि उन्होंने पूरी तरह से ये मान लिया था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था, इसीलिए उन्होंने भी इस दुनिया में जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ देर बाद श्री की माँ भी मार्केट से वापस लौटती है। यहाँ शिवा श्री की फोटो पर टंगी फूलों की माला उतारते हुए कहता है कि आपकी बेटी अभी भी जिंदा है। शिवा उनसे वादा करता है कि मैं जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ लाऊंगा। इसके बाद वो टैडी को उठाकर यहाँ से निकल जाता है। आगे कुछ किताबें पढ़ने के बाद शिवा को समझ आता है कि श्री की एनर्जी इस वक्त टैडी में ट्रांसफर हो चुकी है। कुछ किताबों के अनुसार ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की आत्मा उसके शरीर से बाहर आने का अनुभव करती है। हालांकि इस कंडीशन में बॉडी की दिल की धड़कन और सांस सामान्य रहती है। श्री के जिंदा होने की बात का कॉन्फर्मेशन होने के बाद शिवा उसकी बॉडी को ढूंढने में लग जाता है। श्री से बातें करने के बाद उसे पता लगता है कि श्री को एक्सीडेंट वाले दिन की कोई भी बात ठीक तरह से याद नहीं थी, यहाँ तक कि उसने हॉस्पिटल के नाम पर भी ध्यान नहीं दिया था। अगले कुछ दिन तक श्री और शिवा साथ में ही कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। शिवा आसपास के हॉस्पिटल्स में श्री के बारे में पता करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही जब शिवा GRC हॉस्पिटल में जाकर श्री के बारे में पूछताछ करता है तब उसे समझ आता है कि वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। इस बात का अंदाजा होने के बाद शिवा उस हॉस्पिटल में छानबीन करने के बारे में सोचता है। इसी दौरान श्री को भी यहाँ वो नर्स दिखाई देती है जिसने उसे एक्सीडेंट वाले दिन इंजेक्शन दिया था। इसके बाद शिवा श्री की मदद से ICU में एंटर करता है। शिवा बड़ी ही चलाकी से बिना फेस दिखाए वहां लगे सिक्योरिटी कैमरास भी तोड़ देता है। यहां कुछ लोग शिवा को रोकने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये वही स्टाफ था जिन्होंने श्री को बेहोश करने में डॉक्टर्स की मदद की थी। कुछ देर में ही शिवा उन्हें घायल कर देता है। ICU में पड़ी दवाइयां और बारकोड मशीन देखकर शिवा को आइडिया हो जाता है कि श्री को इस हॉस्पिटल में लाना एक सोची समझी प्लानिंग थी। आगे शिवा जब स्टाफ से पूछताछ करता है तो एक ड्राइवर उसे बताता है कि मैंने उस लड़की की बॉडी को पास के ही हॉस्पिटल में छोड़ा था।
एक आदमी उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से ले गया। दूसरे हॉस्पिटल का नाम पता लगने के बाद जब शिवा वहां जाकर छानबीन करता है तब उसे समझ आता है कि श्री की बॉडी को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद कुरियर सर्विस में ले जाया गया था। इसके बाद शिवा GRC हॉस्पिटल में मिले स्कैनर की मदद से उसी डेट का बारकोड निकालता है जिस दिन श्री का एक्सीडेंट हुआ था। आगे शिवा श्री यानी कि टैडी को एक बॉक्स में बंद करके कुरियर सर्विस में ले जाने का प्लान बनाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर कुरियर सर्विस के जरिए श्री की बॉडी को कहां भेजा गया था। हालांकि श्री इस प्लान से काफी ज्यादा घबरा रही थी लेकिन इसके बावजूद भी शिवा उसे एक फोन देकर बॉक्स में बंद कर देता है। अगले सीन में हम उस बॉक्स को एक ट्रक में रखते हुए देखते हैं जिसमें श्री को रखा गया था। ट्रक के निकलने के बाद शिवा भी अपनी गाड़ी में उनका पीछा करना शुरू करता है। उस ट्रक का पीछा करते करते पूरा दिन निकल जाता है। आखिरकार वो ट्रक समुद्र के पास मौजूद एक जगह के पास आकर रुकता है जहां बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए थे। यहां भी कुछ गुंडे शिवा पर हमला करते हैं लेकिन शिवा एक भी मिनट जाया नहीं करना चाहता था। उसे अंदाजा हो गया था कि इन कुरियर सर्विस को समुद्र के रास्ते कहीं दूर भेजा जाएगा, इसीलिए वो तुरंत श्री को उसकी लोकेशन भेजने को कहता है। लोकेशन देखने पर उसे पता लगता है कि श्री का कुरियर चेन्नई हार्बर से कहीं भेजा जाने वाला है। ये पता लगने के बाद शिवा उन गुंडों से अपना पीछा छुड़वाकर चेन्नई हार्बर की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने पर शिवा समुद्र में जाती हुई एक शिप को देखता है और वहां मौजूद एक वर्कर से पूछने पर उसे पता लगता है कि ये शिप आसपास के काफी सारे देशों से होकर गुजरने वाली है। अगले दिन शिवा अपने पास मौजूद सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है और कुछ ही दिनों में काफी सारा प्रॉफिट कमा लेता है। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के अलावा शिवा आसपास के देशों के बारे में रिसर्च करता है। काफी रिसर्च करने के बाद उसके सामने 10 देशों के नाम निकल कर आते हैं। शिवा को पूरा यकीन था कि इन्हीं 10 में से ही किसी एक में श्री का कुरियर को भेजा गया होगा। आगे शिवा कमाए गए पैसों से उन सभी देशों के लिए वीजा अप्लाई करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम अज़रबैजान की राजधानी बाकू का सीन देखते हैं। कुछ दिन बाद श्री का कुरियर यहाँ पहुँचता है। यहाँ कुछ आदमी उस कुरियर को लेने के लिए आते हैं लेकिन उसमें एक टैडी को पड़ा देख वो लोग उसे वहीं फेंक कर चले जाते हैं। श्री को अभी तक यही लग रहा था कि उसे अपने ही देश के किसी दूसरे कोने में भेजा होगा लेकिन बॉक्स से बाहर निकलने पर उसे समझ आता है कि उसका कुरियर किसी दूसरे देश में ही भेज दिया गया है। आगे श्री लोगों की नजरों से बचते हुए शहर की तरफ निकल जाती है। अब तक श्री के मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ श्री को एक अंधा भिखारी दिखाई देता है और उसी के पास लगे चार्जर में श्री अपना फोन चार्ज करती है। फोन चार्ज होने के बाद श्री अपनी फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन करके यहाँ की लोकेशन के साथ एक फोटो अपलोड करती है। शिवा से मिलने के कुछ दिन बाद ही श्री ने शिवा को फेसबुक पर एज अ फ्रेंड ऐड किया था। दूसरी तरफ शिवा को जब फेसबुक के जरिए श्री की लोकेशन का पता लगता है तो वो तुरंत अज़रबैजान के लिए निकल जाता है। अज़रबैजान पहुंचने पर शिवा सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचता है जिस जगह की फोटो श्री ने अपलोड की थी और किसी तरह से शिवा श्री तक पहुंच जाता है। फ्लाइट में आते वक्त शिवा की मुलाकात कार्तिक नाम के एक आदमी से हुई थी। एक्चुअल में कार्तिक इस देश की एम्बेसी में काम करता है और उसी की मदद से शिवा को एक ऐसे गैंग के बारे में पता लगता है जो लड़कियों की तस्करी करने का काम करता है। जब शिवा वहां पहुंचकर श्री की फोटो दिखाता है तब एक लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है और उसी के कहने पर कुछ लोग शिवा पर हमला करने लगते हैं। यहां भी शिवा वहां मौजूद लोगों को पीटकर जल्द ही उस लड़के को पकड़ लेता है। उस लड़के से पूछताछ करने पर शिवा को हरीश नाम के एक आदमी के बारे में पता लगता है। हरीश के कहने पर ही उसने श्री की बॉडी को 3 हफ्ते पहले एक वैन में ट्रांसफर किया था। आगे हरीश से पूछताछ करने पर शिवा को पता लगता है कि इंडिया से जवान लोगों की बॉडीज को यहाँ इसीलिए लाया जाता है ताकि वो लोग उनके ऑर्गन्स निकाल सके और ऑर्गन्स निकालने के बाद उनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन हरीश को भी नहीं पता था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। बॉडी को एक एम्बुलेंस में ट्रांसफर करने के बाद उसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट कर दी जाती थी। यहाँ हमें पता लगता है कि वो लोग जानबूझकर लड़कियों को कोमा में भेज देते थे क्योंकि कोमा पेशेंट्स का ऑर्गन्स ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसी दौरान शिवा को श्री के ब्लड ग्रुप के बारे में याद आता है। उसे समझ आता है कि श्री का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है जो कि एक काफी रेयर ब्लड ग्रुप है, इसीलिए शिवा को लगता है कि श्री अभी भी जिंदा होगी। अगले सीन में हमें डॉक्टर वर्धराजन के बारे में पता लगता है।
एक्चुअल में यही इंसान इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड है। वरदराजन सिर्फ पैसों के लालच में इंडिया से लोगों को यहाँ लाता है ताकि वो यहाँ के अमीर लोगों का इलाज करके काफी सारा पैसा कमा सके। वरदराजन को जब उसके असिस्टेंट के जरिए पता लगता है कि इंडिया के एक हॉस्पिटल में किसी ने सीसीटीवी कैमरा तोड़कर छानबीन करने की कोशिश की थी, तो वो अपने असिस्टेंट से कहकर श्री के केस से जुड़े सभी स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर्स को भी मरवा डालता है। दूसरी तरफ शिवा को पता लगता है कि हरीश एक और लड़की की बॉडी को चेकअप के लिए दूसरी एम्बुलेंस में भेजने वाला है, इसीलिए शिवा उस लड़की के साथ श्री को भेजने का प्लान बनाता है। वहां पहुंचने पर श्री को पता लगता है कि यहां लगभग 100 से भी ज्यादा बॉडीज को कोमा की कंडीशन में रखा गया है। यहीं पर उसे अपनी बॉडी भी नजर आती है जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। चेकअप होने के बाद श्री भी उस लड़की की बॉडी के साथ वापस से एम्बुलेंस में चढ़ जाती है और रास्ते में ही शिवा उस एम्बुलेंस को रोककर श्री के साथ साथ उस लड़की को भी उनके चंगुल से आजाद करवा लेता है। आगे इन्हें समझ आता है कि चेकअप के दौरान ही लड़की की एक किडनी निकाल ली गई थी। इसके बाद शिवा और कार्तिक इंडियन एम्बेसी के हेड के पास जाते हैं और यहाँ चल रहे ऑर्गन्स का बिजनेस के बारे में उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन उनका कहना था कि जो सबूत अभी तक तुम्हारे पास है वो काफी नहीं है, इसीलिए शिवा एक पेशेंट बनकर इस बिजनेस के मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्लान बनाता है और उसे एक हॉस्पिटल के बारे में पता लगता है जहां शिवा का ब्लड ग्रुप का डोनर मौजूद था। उस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हम शिवा को भी वही इंजेक्शन लगते हुए देखते हैं जैसा कि श्री को लगाया गया था, और जब उसकी बॉडी सुन होने लगती है तभी यहाँ डॉक्टर वरदराजन की एंट्री होती है। इंडिया में मौजूद अपने आदमियों की मदद से उसने सीसीटीवी तोड़ने वाले इंसान के बारे में पता लगा लिया था। वो पहले से जानता था कि शिवा उसे फॉलो कर रहा है। शिवा को बेहोश करने के बाद उसे भी वहीं भेज दिया जाता है जहां बाकी लोगों की बॉडीज को रखा गया था। हॉस्पिटल से शिवा के गायब होने का पता लगने के बाद कार्तिक और श्री एम्बेसी के एम्बेसडर से मदद लेने की सोचते हैं, लेकिन एम्बेसडर से मिलने पर इन्हें समझ आता है कि वो भी डॉक्टर वरदराजन के साथ मिला हुआ है। आगे कार्तिक और श्री उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से बॉडी को दूसरी एम्बुलेंस में भेजा जाता है। यही एक और बॉडी को जब ये लोग दूसरी एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तब श्री भी उस एम्बुलेंस के साथ लटक कर शिवा तक पहुंच जाती है। इसी दौरान वहां का स्टाफ श्री की बॉडी को उठाकर वहां से ले जाता है। हम देखते हैं कि टैडी यानी कि श्री शिवा को होश में लाने की कोशिश करने लगती है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी रहती है। किसी तरह से ये दोनों एम्बुलेंस तक पहुँच कर यहां से निकल जाते हैं। आगे कार्तिक पुलिस को सूचना करके वहां की लोकेशन के बारे में बताता है जहां गैर कानूनी तरीके से भारतीय लोगों को रखा गया था, लेकिन उन्हें पता लगता है कि श्री की बॉडी यहां से पहले ही निकाल दी गई थी। कुछ देर सोचने के बाद श्री को वरदराजन के हॉस्पिटल के बारे में याद आता है। उसे यकीन था कि श्री का ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में किया जाएगा। हालांकि शिवा अपना इलाज करवाने के बहाने पहले भी उस हॉस्पिटल में जा चुका था, लेकिन एम्बुलेंस में होने की वजह से उसे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इसके बावजूद भी शिवा एम्बुलेंस के सफर को रिकॉल करते हुए जल्द ही उस हॉस्पिटल की लोकेशन का पता लगा लेता है। वहां के पार्किंग लॉट में पहुंचते ही कुछ गार्ड्स उस पर हमला करना शुरू करते हैं। एक्चुअल में ये लोग वरदराजन के ही आदमी थे। जब ये लोग शिवा पर हमला करने लगते हैं तब श्री उसे बचाने की कोशिश करती है और उस टैडी को चलता देख वो लोग उसे भी बुरी तरह पीटने लगते हैं। ऐसे ही जब एक आदमी शिवा को शूट करने लगता है तब श्री आगे आकर सभी गोलियां अपने ऊपर ले लेती है। ये देखने के बाद शिवा को काफी गुस्सा आता है और वो बचे हुए आदमियों को भी मार डालता है। उसी हॉस्पिटल के एक रूम में हम वरदराजन को श्री का ऑपरेशन करते हुए देखते हैं। वो श्री का दिल निकालने वाला था। हालांकि टैडी की बॉडी पर उन गोलियों का ज्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो टैडी भी बेहोश होने लगा था। ये देखकर शिवा तुरंत पार्किंग लॉट से निकलकर श्री को ढूंढने में लग जाता है। अब तक वरदराजन को भी शिवा के यहाँ आने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जब शिवा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसकी कार को रोकने की कोशिश करने लगता है। शिवा को मारने के चक्कर में वरदराजन की कार पलट जाती है जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद शिवा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर श्री के ऑपरेशन को रुकवा लेता है। यहां हमें समझ आता है कि ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक इलीगल ऑपरेशन है। श्री को वहां से निकालने के बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर वरदराजन के फरार होने की न्यूज देखते हैं। एक्चुअल में वरदराजन के गायब होने के पीछे शिवा का ही हाथ था। शिवा ने उसे वही इंजेक्शन दिया था जिससे इंसान कोमा में चला जाता है। वो इंजेक्शन देने के बाद शिवा वरदराजन को एक पुराने कंटेनर में डाल देता है
अब तक श्री भी होश में आ चुकी थी। आज शिवा पहली बार असली शरीर को अपने सामने देख रहा था, लेकिन श्री का बिहेवियर से हमें समझ आता है कि कोमा से जागने के बाद उसे टैडी और शिवा से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं है। इसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद श्री को सही सलामत वापिस भारत भेज दिया जाता है और शिवा भी उस बेजान टैडी के साथ वापिस इंडिया लौट आता है। हम देखते हैं कि शिवा उस टैडी के साथ बिताए गए पलों को याद करके अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। ऐसे ही एक दिन ट्रेन में जाते वक्त श्री शिवा को देखती है। आगे हम श्री को चोरी से शिवा की फोटोज क्लिक करते हुए देखते हैं। हालांकि शिवा को भी इस बात का पता था कि श्री पिछले कुछ दिनों से उसे फॉलो कर रही थी, और जब शिवा इस बारे में श्री से पूछता है तब श्री बताती है कि मुझे फोटोग्राफी का काफी शौक है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसे चोरी छुपके तुम्हारी फोटोज क्यों ले रही हूँ। हालांकि शिवा इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन इसके बावजूद भी श्री कुछ ही दिनों में शिवा के काफी करीब आ जाती है और जल्द ही ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।